नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बने भारतीय विद्या भवन में आरपी स्पोर्ट्स एकेडमी में एथलीट चल रहे हैं। उदित वर्मा जी द्वारा खूबसूरत ग्राउंड तैयार किया गया जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। हर रविवार यहाँ मैच होंगे। इसी मैच में अपनी प्रतिभा दिखाने पहुंची दीक्षा शर्मा, जो कि बहुत अच्छी खिलाड़ी है। पत्रकार जीएस हैरी ने उनसे खास मुलाकात की और कुछ खास मुद्दों पर बात की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मैं जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी और जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज चैनल से दोबारा आपके सम्मुख खड़ा हूं, जो कि आज मैं आया हूं कस्तूरबा गांधी मार्ग पर, जहां पर भारतीय विद्या भवन आरपी क्रिकेट एकेडमी के अंडर चल रही है, जिसमें आरपी स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से बनाया है। और यहां पर बच्चे जो सामने देख रहे हैं ग्राउंड पे, ये मैच खेल रहे हैं और यहाँ एथलीट चल रहा है और बहुत अच्छा हरा भरा ग्राउंड बनाया है इन्होंने, सुरजीत वर्मा जी ने और उनके सुजन्य से। आज नन्हे मुन्ने बच्चे अंडर 13-14 के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। संडे संडे मैच होंगे। इस मैच के दौरान जो प्रैक्टिस करने आए बच्चे, हम बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर जो अब महिलाएं भी किसी पुरुष से कम नहीं है, बराबर उनको वेतन मिलने जा रहा है बीसीसीआई ने जो दिया है। और आज हम सामने जो चेहरा आप देख रहे हैं उसका नाम है दीक्षा शर्मा। और दीक्षा शर्मा जो है, ये इनसे मिलने का हमारे को सौभाग्य मिला, क्योंकि ये उभरती प्रतिभा है, नाम इनका दिल्ली स्टेट 19 में है, तो इनसे ही मिल के बात करते हैं। आप अपना परिचय देंगे दीक्षा? मेरा नाम दीक्षा शर्मा है, आई एम 19 और मैंने दिल्ली के लिए स्टेट खेला हुआ है अंडर 19 लेवल पर। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ आरपीसीए में, जो गार्गी में भी है और यहाँ पे भी करंटली है। तो आप क्रिकेट को समय कितना देती हैं? सर, मैं तो आई थिंक पूरा दिन चले जाता है क्रिकेट में, क्योंकि पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ता है, जिम पे भी काम करना पड़ता है, रनिंग पे भी और स्किल्स पे भी, तो पूरा दिन ही निकल जाता है। तो जिम जरूरी है आपके लिए? सर, आई वुड से कि हाँ, काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए। बट अभी योगराज सिंह जी, जो युवराज के पिताजी हैं, उन्होंने स्पेशल कहा है कि क्रिकेटर को जिम की ज़रूरत नहीं है। जरा उनका भी आप थोड़ा सा अगर पढ़ने की सुनने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि शायद कुछ नया चीज़ सुनने को मिले। तो एक बार जरूर सुनिएगा, योगराज जी जो हमारे युवराज जी के पिताजी हैं भारतीय क्रिकेटर के, तो वो खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, तो आज उन्होंने विश्लेषण ये बताया कि जिम इतना ज़रूरी नहीं है क्रिकेटर के लिए जितना हम समझ रहे हैं। एक बार सुनना जरूर, ठीक है। दूसरी बात, आप ये बताइए 19 के लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ा? सर, हार्डवर्क तो बहुत ही करना पड़ता है, बस अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस लाने के लिए, सो दैट वहाँ पर जाके कोई गलतियाँ हो भी तो ऐसा ना लगे कि रिग्रेट हो रहा है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो पूरा ही हार्डवर्क करना। आप जो हैं, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है इस वक्त करंट में, उस वर्ल्ड कप में आप क्या समझती हैं कि भारत जो है कहाँ तक इस लाइन में आगे जाएगा? इंडिया काफ़ी आगे तक जाएगा इस वर्ल्ड कप में, तो फाइनल खेलेगा। आप श्योर हो? 90% तो आज। जिस तरह से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कल मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता जबकि न्यूजीलैंड सभी मैच जीत रही थी लगभग, तो ये उलटफेर जो अफगानिस्तान ऊपर निकल के आई है, नीदरलैंड ऊपर निकल कर आ रही है, ये टीम्स जो उलटफेर कर रही हैं, अभी रिसेंटली जो अभी बांग्लादेश को भी हराया कल अफगानिस्तान ने, तो उस तरीके से आप क्या समझते हैं, क्या वो वर्ल्ड कप के लेने के हकदार कभी आएंगे? पाकिस्तान पिछड़ गई, पीछे की तरफ रहेगी थोड़ा सा। आई वुड से स्टिल इंडिया के पास अभी भी चांसेस हैं और वर्ल्ड कप है तो टक्कर तो सभी टीम देंगे, वो अपनी बेस्ट टीम्स लेकर आ रहे हैं खेलने के लिए, तो ऑब्वियसली सबका मोटिव यही है कि जीतना चाहेंगे। तो आप अंडर 19 जो खेली दिल्ली में, आपने क्या किया उस अंडर 19 में जाके? बैटिंग करती हैं, बॉलिंग करती हैं, क्या करती हैं? मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, मीडियम पेस डालती हूँ और आई थिंक 3 मैचेस T20 वाले टूर्नामेंट में, T20 वाले में मैंने सारे मैचेस खेले थे एंड बॉलिंग डिपेंड कर रहा था कब मिल रहा कब नहीं, बैटिंग भी डिपेंड कर रहा था सिचुएशन के हिसाब से और वनडे में 2 मैचेस की प्लान। आपका सपना क्या है इस महिला क्रिकेट को लेकर? सर, सपना तो मेनली वही है, मेन टीम के लिए खेलना, प्ले द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गेम एट द हाईएस्ट लेवल, तो टीम इंडिया ही मेन गोल है। टीम इंडिया के लिए सफर तय कर रही हैं, तो आप प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दे रही हैं? हाँ जी। तो हाईएस्ट स्कोर कितना बनाया अभी तक आपने? सर, हाईएस्ट मेरा है 120 नॉट आउट। आज हमारा 21 तारीख है शायद, नहीं 28 29 तारीख है, 29 तारीख 10वां महीना 2023। आज तक आपने हाईएस्ट स्कोर कितना बनाया?
आज तक 120 नॉट आउट। 120 नॉट आउट। जब आपका अंडर ट्रायल हुआ 19 का दिल्ली स्टेट के लिए, तो उससे पहले जब ट्रायल हुआ था, ट्रायल के अंदर आपने क्या किया था? ट्रायल के अंदर डिपेंड ही कर रहा था सर, अभी सीनियर्स का भी ट्रायल दिया था और 19 के ट्रायल तो काफ़ी पहले हुए थे, तो कहीं पे लिखे हुए हैं बट ऐसे याद तो नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आने वाला जो समय हमारा क्रिकेट का है, भारतीय क्रिकेट का है, महिला क्रिकेट का है, जिस तरह से मिताली राज ने छोड़ा और उसके बाद स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने अपना नाम कमाया, और भी कई खिलाड़ी उभर कर आ रही हैं, झूलन गोस्वामी एक मील का पत्थर साबित हुई थी मीडियम पेसर, तो आप भी एक मीडियम पेसर की तरह आगे जाती हैं, बैटिंग भी करते हैं, तो बैटिंग मिडल ऑर्डर करती है ओपन करती हैं? सर यूजली टॉप ऑर्डर, वैसे तो सिचुएशन के हिसाब से। तो ये थे हमारे साथ दीक्षा शर्मा, जो कि महिला क्रिकेट के अंदर अपना नाम कमाने के उद्देश्य से और इंडिया रिप्रेजेंट करने के उद्देश्य से यहाँ पहुँची हैं और लगातार मेहनत कर रही हैं। अभी उनका पड़ाव शुरू हुआ है, जबकि बीसीसीआई ने, जब ये 15 साल की होंगी तो शायद बीसीसीआई ने शुरू नहीं किया था अंडर 15, बट अब ये अंडर 19 खेल चुकी है, अब नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रही है, तो हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं इनके साथ, एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाती हैं। आरपी अकेडमी में प्रैक्टिस कर रही हैं और मैं जीएस हैरी वुमेन क्रिकेट अकेडमी भी चलाता हूं पिछले कई 24 सालों से, दिल्ली के अंदर कई लड़कियों को हमने प्रोड्यूस किया है, तो पर क्या लड़कियों का अपना अपना एक स्तर होता है, अपना अपना लेवल होता है उनका एक तरीके से, जिस लेवल तक चली जाती हैं ठीक है, उसके बाद कई छोड़ देती हैं और कई जो है कॉन्टिन्यूस खेलते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तो ये दीक्षा वर्मा जी को भी हम ब्लेसिंग देते हैं अपने चैनल की तरफ से भी, और हमारे ये देश का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें। इन्होंने कुछ बातें हमें बताएं कि आप अपने प्रैक्टिस के बारे में बताएं कि कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं, ये सब बातें इन्होंने विशेष ताकि बच्चों को समझ में आए कि इसमें कठोर तपस्या है, ये नहीं है कि आप आए और खेले और चले गए और मैं स्टेट खेल गया, ऐसा नहीं। कॉन्टिन्यूस एवरी ईयर जो है आपके लिए ट्रायल नया सेशन आता है और आपको वैसे ही कॉन्टिन्यूस अपने आप को बरकरार रखना पड़ता है। तो मैं सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को ये कहना ज़रूरी समझते हैं कि जिस तरह दीक्षा वर्मा आज भी देखिए सामने खड़ी है हमारे साथ, वो प्रैक्टिस करने के आई हैं, सुबह घर से छोड़कर, घर से बेघर होकर यहाँ पहुँची हैं और ये भारतीय विद्या भवन में, उसी तरीके से मैं तमाम लड़कियों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अपने घर से दूर हो जाइए, घर से निकल कर ग्राउंड पर आइए, ग्राउंड पर आकर ही आपका जीवन है, ताकि जितनी जिस कंपटीशन की भावना से आप आगे बढ़ रही हैं या बनना चाहती हैं उसको आप इस तरीके से उत्तीर्ण करें, ताकि मेहनत का फल ही आपको मिलेगा। फ्लक्चुएशन चलती रहती है, अप डाउन ग्रेड्स चलते रहते हैं, पर हिम्मत नहीं हारनी, ये हमारा भी इनको दीक्षा शर्मा को एक एडवाइस है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए और हम आपको इंडिया लेवल पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद दीक्षा।